सब्सक्राइब करिए लर्न फॉर एग्जाम चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल डूइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर कैट एग्जाम। सो लेट स्टार्ट। दिस इज अबाउट अस, इफ यू वॉन्ट टू यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो। So every Sunday at 10 p.m. I will be live on YouTube. If you have any query regarding your MBA preparation, you can come and join us and you can ask your query. Okay. So let's start. First of all, जो सबसे बड़ी mistake होती है, number one is vocab and the reading speed. So basically जितने भी students हैं वो ज़्यादातर इसी में ही fall करते हैं. See, first अगर मैं बात करूँ तो टू सॉल्व दी आर सी फॉर कैट बेसिकली आपको कोई ये नहीं चाहिए कि बहुत अच्छी वोकैब आपकी होनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ डिसेंट वोकैब, डिसेंट वोकैब में मैं ये कहूँगा कि आपको जो जी आर एन बैरन लिस्ट है अगर उसके 3,500 या 3,000 वर्ड्स हैं उसमें से कम अगर आपको 1,000 भी पता है दैट इज़ इनफ, दैट इज़ अ डिसेंट। ओके, बट अगर वो भी नहीं पता दैन इट्स नॉट अ डिसेंट थिंग। ऑल राइट, सो मेक श्योर आपकी वोकेबलरी डिसेंट हो, जो आपको लिखा हुआ है वो ईजिली समझ आ जाए आर सी के अंदर, बिकॉज कैट के अंदर आपको वोकेबल्स नहीं पूछे जाते। ऑल राइट, सो जितना आपको आर पैराग्राफ जो दिया हुआ है या पैसेज दिया हुआ है उसके अंदर अगर कोई वर्ड यूज़ है उसका मतलब पता है देन इट्स गुड टू गो। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ मिथ कि आपको पूरी वोकेबलरी आनी चाहिए फॉर कैट, नो, बट फॉर अदर एग्जाम्स येस, बिकॉज एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, उसमें वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, नाउ द रीडिंग स्पीड के बारे में अगर बात करें तो अगर आप देखो सो जो पैसेजेस की लेंथ है इन कैट ओनली वो थोड़ी कम रहती है। 6 क्वेश्चंस वाला होगा तो उसके अंदर आएंगे आपको समवेयर अराउंड 600 वर्ड्स टू रीड, और अगर 3 क्वेश्चंस वाली आर सी है देन इट विल गिव यू अ 350 वर्ड्स ऑफ पैराग्राफ और पैसेज। ऑल राइट, सो ज़्यादा नहीं होता है अगर आपकी डिसेंट स्पीड है। अब मैं कहूँगा एवरेज जो होती है, ठीक है, उससे थोड़ी सी अबव, लाइक लेट्स प्लस 20%, ठीक है, देन यू आर गुड टू गो। आप पूरा पेपर पढ़ पाओगे उतने ही टाइम में जितना टाइम उन्होंने दिया है, उतने टाइम में पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आपकी स्पीड के ऊपर भी ज़्यादा इसमें रहता नहीं है। तो लोग ज़्यादातर मतलब पहले इसी में फंस जाते हैं कि मेरी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी मैं आरसी कर पाऊंगा। इट्स नॉट दैट, आगे की जो मिस्टेक्स हैं उस पर अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ईजिली हो जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ मिथ जिसके आप अंदर फंस जाते हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रैप। ओके, कि रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तभी तो मैं आरसी पढ़ पाऊंगा ज़्यादा, और उसके चक्कर में आप रीडिंग ट्वाइस करते रहते हो, जिसकी मैंने अभी वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एज वेल, वो इससे पहले ही आई थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, द सेकेंड बिग इशू इज रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। एक ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, मिथ कह लो, ठीक है, कि क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ तो समझ आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको पता है कि मतलब इंटर लाइक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली कैट के अंदर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है? इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसके बेसिस पे हम क्या सोच सकते हैं, उसको कहते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर आप कैट की आरसी करने जा रहे हो और आप उसके क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे कुछ नहीं समझ आना तुम्हें, पल्ले कुछ नहीं पढ़ना है, तो ठीक है, सो प्लीज़ डोंट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अगर आप कैट आरसी के लिए जा रहे हो आपको सिर्फ क्या करना है, ये कब यूज़फुल होता है ये चीज़, ये कब यूज़फुल होगी अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ोगे? इट्स ओनली यूज़फुल व्हेन यू गेट द फैक्चुअल आरसीज, जिसमें फैक्ट्स की बात हो रही हो, ये तभी है इम्पॉर्टेंट। बट अब ऐसा नहीं होता है, अब आती है इन्फ्रेंस बेस्ड आरसीज। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट डू दिस कॉमन मिस्टेक ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। ऑल राइट, नाउ द थर्ड, मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या है मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेजरली, आप अपने आप की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना आप उस पर थोपने लग जाते हो अपने आंसर पे। सो डू नॉट लेट योर नॉलेज ऑफ अ टॉपिक इंटरफेयर विद द इन्फो, और यू कैन से विद द इन्फॉर्मेशन
provided in the passage. ओके सो बेसिकली करते हैं क्या स्टूडेंट्स, वो जो पैसेज पढ़ते हैं लेट्स से टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं कुछ, आपको उसके बारे में पता है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसके साथ जोड़ देते हो, ठीक है. सो प्लीज़ डोंट डू दिस, जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उतना ही रहने दो, क्योंकि इससे आपका आंसर ख़राब हो सकता है. जब इन्फ्रेंस क्वेश्चन करोगे, आपने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन लगा के एंड आंसर करने की कोशिश करी, वो गलत हो जाएगा. जितना ऑथर ने लिखा है बस उसके अकॉर्डिंग जाओ, ठीक है. सो स्टिक टू वॉट इज़ गिवन, आपको स्टिक हो जाना है दैट टू वट दैट हैज़ बिन गिवन इन द पैसेज एंड अवॉइड मेकिंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन योर नॉलेज. अपनी नॉलेज के बेस पे कोई भी कंक्लूजन मत निकालो, सिर्फ और सिर्फ जो ऑथर ने लिखा है उसी पे रहो, उसी के नॉलेज पे स्टिक रहो, ठीक है. जब तक आपको क्वेश्चन में लिखा ना जाए वट इज़ योर आइडिया, वट इज़ योर थिंकिंग अबाउट द पैसेज, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आपको अपना दिमाग की खोपड़ी खोलनी है आगे, तब तक नहीं करना है, ठीक है. सो प्लीज़ अपने जो हॉर्मोन्स हैं उनको कंट्रोल में रखो वाइल डूइंग दी आरसी, अपनी नॉलेज को मत यूज़ करा करो, ठीक है. उससे ही मेजरली आपके आंसर्स ख़राब होते हैं. ऑल राइट, एंड कभी भी आपको एनालाइज करना हो कि मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, बस क्या करना है आपको, आपने जब आंसर दे दिए उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, बट आरसी को दोबारा पढ़ के देखना और फिर एक एक आंसर को चेक करना कि उसने एक्सप्लेनेशन ऐसी क्यों दी, मेरी एक्सप्लेनेशन क्या थी, ठीक है, उस आंसर को मार्क करते हुए, देन यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि आप कहाँ गलती कर रहे हो. इन तीनों में से एक गलती ज़रूर होती है हर किसी की, ठीक है, तभी उसकी आरसी ख़राब होती है. दिस इज़ अ मेजर कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई करता है. सो इन दोनों को सॉल्व कर लिया देन फॉर श्योर आपको सक्सेस मिल जाएगा आरसी में, ठीक है. एंड वी आर कमिंग विद द कैट आरसी कोर्स विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th of October. लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बिलो इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल. एंड वी आर ऑफरिंग सम अदर कोर्सेज एज वेल, ₹10 कोर्स, स्पेशल कोर्स एवरी संडे, सो यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल. फ्राइडे उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है एंड वी स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of October दिस मच कोर्सेज. सो एम ए स्नैप क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of October, MBA 2019 एंड मेट स्नैप फुल कोर्स फॉर 2019 एंड दी कैट फुल कोर्स फॉर 2019, दीज ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of October. ऑल राइट, अगर किसी में पूछना, कुछ भी आपको पूछना हो, यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर 7982139467, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो एंड आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स. माइका कोर्स इज कमिंग सून, टेस्ट जी के कोर्स इज गोइंग ऑन बूस्ट एंड दी एनमेट एल आर कोर्स, जी के पी डी एफ एंड दी एनमेट ओ कैप, दीज ऑल आर कोर्सेज आर गोइंग ऑन. सो इफ यू वॉन्ट टू एनरोल यू कैन एनरोल नाउ, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड वी प्रोवाइड दी फॉलोइंग टेस्ट सीरीज एज वेल, दिस इज अवर स्टोर लिंक www.instamojo.com/learnforexam1, कुछ ऐसा दिखता है स्टोर, ओके. एंड दीज अवर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग राइट नाउ इन द टॉप MBA स्कूल्स राइट नाउ, ओके. सो दीज आर द रिव्यूज ऑफ अवर स्पेशल संडे क्लासेस, लाइक ये उससे जो भी हुई थी 3 बजे वाली, 10 बजे वाली उससे पहले जो हुई थी. एंड दिस इज अवर एनमेट LR कोर्स रिव्यू, सेप्टेम्बर बैच रिव्यू, दी अगस्त बैच रिव्यू, जुलाई बैच रिव्यू, जून बैच रिव्यू. सो यू विल गेट एन फेयर आइडिया, एवरी मंथ वी स्टार्ट अ न्यू बैच. ऑल राइट, दीज आर मोर इंडिविजुअल रिव्यूज बाय अवर स्टूडेंट्स and their scorecards plus, okay. So if you want to read them you can just pause the video and you can just go through it. Agar aapko kuch bhi aise puchna hai, most welcome, just WhatsApp me and I will love to solve your queries. And we provide the books as well, the DLR book, verbal ability book and the quantitative ability book for specially designed for the NMET and SNAP, okay. And you can follow us on Facebook, YouTube, Telegram and Instagram, all the links are in description below for the social media handles. इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे यू विल गेट द कैब वर्ड, टेलीग्राम पे फॉलो करोगे तो यू विल गेट द GK PDFs, एंड इफ़ यू फॉलो ऑन यूट्यूब आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिली जाती है यहीं से, एंड अगर फेसबुक से करोगे तो इन सब की मिक्स इन्फॉर्मेशन. ऑल राइट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय.